आज के क्लास में हम जानेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं और लेज़र्स क्या होते हैं, इन्हें क्रिएट कैसे किया जाता है और डिस्प्ले कैसे किया जाता है और अल्टर कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टैली की सेकंड यूनिट में सबसे पहला आपका टॉपिक आएगा ग्रुप्स क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, अल्टर करना, लेज़र क्रिएट करना, लेज़र डिस्प्ले करना, लेज़र अल्टर करना। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रुप्स होते क्या हैं। तो ग्रुप्स का मतलब होता है कि टैली में ग्रुप होते क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप एक तरह के लेज़र का संग्रह होते हैं। हम एक ही तरह के लेज़र्स का कंपनी पर प्रभाव डालने के लिए इन ग्रुप्स को बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप कोई सेल्स अकाउंट बनाना चाहते हो या सेल्स के लेज़र बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेल्स अकाउंट ग्रुप में लेते हैं। यानी कि यदि आप कोई लेज़र बनाना चाहोगे तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका अंडर क्या जाएगा, तो इसका ग्रुप क्या जाएगा, तो वो सेल्स अकाउंट होता है। तो यदि आप लेज़र बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए ग्रुप बहुत ज़रूरी है। और ग्रुप हमें यहाँ पर प्री डिफाइंड यानी बने बनाए मिलते हैं। यानी टैली में आपको ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा क्योंकि हमें कभी कभी क्रिएट करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। लेकिन और दूसरी चीज़, अगर आपको ग्रुप्स को देखना है तो आप ग्रुप देख भी सकते हो। तो अब हम और जान लेते हैं ग्रुप होते क्या है। एक ही तरह के नेचर के लेज़र्स के कलेक्शन को ग्रुप कहा जाता है। टैली में पहले से ही ग्रुप बने होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आप स्वयं का कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो निम्न तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे टैली में। तो यहाँ पे टैली पे मैंने रवि ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी बना के रखी है, नई कंपनी है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं की गई है। तो अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाना है आपको। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाना है, और अंदर जाने के लिए हम एंटर प्रोसेस करते हैं यानी एंटर दबाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप ग्रुप में चले जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो उसका नेम और एक उसका अंडर। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, यानी मान लीजिए सबसे पहले हम बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कैपिटल का ही ग्रुप बना देता हूँ, जिससे क्या है मेरे को आसानी हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, इसका नाम रख दिया। कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक रख दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट नाम से। इसका नाम मैंने इन्वेस्टमेंट रख दिया है और अंडर मैंने रख दिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये ग्रुप बना रहा हूँ मैं, लेज़र नहीं बना रहा हूँ, लेज़र इसके बाद बनाना बताऊँगा, अभी मैं ग्रुप बना रहा हूँ। तो मैंने नेम रख दिया है इन्वेस्टमेंट और अंडर रख दिया है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी ऑप्शन यस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, और क्वांटिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया है। अब मान लीजिए कि हमने ग्रुप बना लिया, अब ग्रुप बना के बाहर भी आ गए, लेकिन देखेंगे कहाँ, तो देखने के लिए होता है यहाँ पर डिस्प्ले। तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाके एंटर करेंगे। तो डिस्प्ले में जाके हमने इन्वेस्टमेंट नाम से एक ग्रुप बनाया, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ उसे इन्वेस्टमेंट के नाम से, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट नाम से एक ग्रुप आ गया। ठीक है, और एक ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ था, मैंने एक और बना लिया, तो बना सकते हैं क्योंकि मैंने स्पेलिंग में चेंजेस किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लिखा था, इसलिए ये ग्रुप बन गया। यदि आप एक जैसा ही ग्रुप बनाओगे तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं डिस्प्ले में। तो एंटर किया मैंने, तो ये हमने बनाया हुआ था और इसको हम डिस्प्ले से चेक कर रहे हैं। तो ये दूसरी प्रोसेस थी, हमने क्रिएट करना देख लिया, डिस्प्ले करना देख लिया। अब एल्टर का काम क्या है? एल्टर का मतलब होता है एडिट करना, यानी उसमें कोई चेंजेस करना। तो एडिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाएंगे एल्टर में और यहाँ पर जो पहले से बने हुए हैं उसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं, और जो आप बनाना चाह रहे हो वो भी, जो आपने बनाया है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। तो पहले से बने हुए कोई भी चीज़ है तो मैं उसमें चेंजेस कर देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, तो कैपिटल अकाउंट का अंडर उन्होंने प्राइमरी लिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का अंडर, ये कैपिटल अकाउंट का अंडर जो है मैं ले लेता हूँ, जैसे कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड को इन्होंने करंट एसेट्स लिया हुआ है।
तो करंट एसेट्स में जैसे कि आप उन्हीं ग्रुप में चेंजेस कर सकते हो, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, उन्हीं ग्रुप में चेंजेस कर सकते हो जो आपने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ अपना इन्वेस्टमेंट वाला ग्रुप, ठीक है, ये इसमें चेंजेस हो जाएंगे। उनमें इसलिए चेंजेस नहीं हो रहे थे क्योंकि वो हमने बनाए नहीं है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो ये एक चीज़ और आपको समझ में आ गई होगी इससे कि यहाँ पर वही ग्रुप में चेंजेस किए जा सकते हैं जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है ना रख देता हूँ एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए खर्चा है जब तक पैसा हमारा वापस नहीं आ जाता है, या फिर हम उसका कैपिटल अकाउंट भी रख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि कैपिटल लगा देना, लेकिन मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बदल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको चेंजेस करके दिखा दे रहा हूँ कि ये चेंजेस हो गए इसके अंदर। तो यहाँ पे ये चेंजेस हो गए। अगर आप ये वाले ग्रुप में चेंजेस करने जाओगे तो इसमें नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ यानी प्री डिफाइंड है। टैली जो ग्रुप पहले से आपको देता है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है ये तीन चीज़ें ग्रुप में, क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम सेकंड पॉइंट यानी लेज़र्स की। तो लेज़र्स में आप क्या कर सकते हो, लेज़र क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेज़र होती है यहाँ पर अकाउंट। लेज़र अगर आप नहीं बनाते हो तो टैली में आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर लेज़र बना लेनी है। तो लेज़र एक अकाउंट की तरह होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, लेज़र बनाकर आप है ना इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें चेंजेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं चेंजेस करने के लिए क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना लेता हूँ, यानी कि सबसे पहली लेज़र मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की यानी कैपिटल की। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है और पैसा लगाएंगे तो ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। तो मैं यहाँ पर पहली लेज़र बना रहा हूँ कंपनीज कैपिटल के नाम से। आप चाहो तो कैपिटल के नाम से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, यानी ये वही ग्रुप्स हैं जो अभी तक हम देख रहे आए, अभी पहले आगे, अब हम लेजर्स पे काम कर रहे हैं। यानी कि याद रखिए प्री डिफाइंड आपको ग्रुप दिए हुए हैं, ज़रूरत पड़ने भी आपको बनाना है। अगर नहीं है ज़रूरत तो मत बनाइए, ज़रूरत नहीं है तो आप चेंजेस मत करिए, आप जाइए डायरेक्ट लेज़र बनाने पे। तो लेज़र क्रिएट करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें अगर टैली में काम करना है तो हमें बिजनेस में पैसा लगाना होता है, तो हम कंपनीज कैपिटल नाम से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लगा के यहाँ पे कैपिटल लगा देंगे और यहाँ पे कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हो कहाँ पर, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर याद रखिएगा लेज़र्स आपको दो पहले से बनी हुई मिल जाती हैं, दो लेज़र्स इसमें प्री डिफाइंड होती हैं, कैश की लेज़र और प्रॉफिट एंड लॉस की लेज़र। तो याद रखिएगा आपको ये कभी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दोबारा बनाने जाओगे दोबारा बनेगी नहीं, तो याद रखिएगा। तो जो आपकी लेज़र्स होती हैं वो दो आपको प्री डिफाइंड मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं जो लेज़र मैंने बनाई है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तीसरा यहाँ होता है एल्टर, ठीक है। एल्टर में यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो एंटर करने पर जो एल्टर का काम ग्रुप में था वही यहाँ पर भी है, एडिट करना और डिलीट करना। तो डिलीट कैसे करेंगे, लेकिन पहले मैं एडिट करना बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंपनीज कैपिटल ना लिखा हुआ है, सिर्फ कैपिटल लिखा है, तो मैं कंपनीज कैपिटल की जगह हटा दे रहा हूँ और इसे कैपिटल कर दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये चेंजेस हो जाए, ठीक है। और लेज़र में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो डिलीट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसे और इसका नाम चेंज कर दिया, कैपिटल कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई लेज़र डिलीट करनी है तो आपको सिंपली एल्टर के अंदर जाना है जो अभी मैं था, और लेज़र मैंने ओपन करी और यहाँ से अल्ट के साथ डी कर दिया। यस एंड नो पूछेगा, यस एंड नो आप करते हैं तो वो डिलीट हो जाएगी, अगर यस करा तो डिलीट हो जाएगी, अगर नो करता तो डिलीट नहीं होती, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आज ने हमने देखा ग्रुप्स क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, एल्टर करना, लेज़र्स को क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है।